तो गाइस जैक को फाइनली वैक्सीन लगा दी है, सेकंड वैक्सीन। ओए किधर निकल के जा रहा है बे? इधर आजा, चल 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 जल्दी से, इधर आजा जल्दी से। ओ भाई क्या हुआ है? Hey guys, good morning, welcome back to my channel। ये देख सकते हो भाई कितनी प्यारी सी धूप निकली हुई है भाई, सुबह के अभी 8:30 या 9 बज गए भाई। देख सकते हो कितनी प्यारी धूप निकली हुई है और सूरज कितना प्यारा दिख रहा है भाई, खूबसूरत नजारा है एकदम। ये देख लो भाई हमारे रैबिट्स, तो सभी रैबिट्स को खाना डाल दिया है भाई सबको, एक या दो दिन पहले रात को लेकर आया था मैं। यहाँ पर देख सकते हो भाई धनिया लेकर आया था, धनिया और कुछ पत्ते लेकर आया था गोभी के, और ये बीट रूट के पत्ते लेकर आया था भाई, जो मिलता है वो लेकर आता हूँ, टमाटर लेकर आता हूँ, तो ये सारी चीजें डाल देता हूँ मैं इनको, तो ये मजे से खाते रहते हैं भाई, दिन भर ऐसे ही चढ़ते रहते हैं। ये देख लो भाई ये रही हमारी स्टेपनी, और स्टेपनी को मैंने 2 दिन से इधर अंदर ही बंद कर चालू कर दिया भाई, क्योंकि हमारा जो गैस है ना वो खत्म हो चुका है भाई, और इसे जो है मैं यहाँ पर बाहर बांधता था और यहीं पर चूल्हा लगाया हुआ है, चूल्हे के ऊपर अभी हमें खाना बनाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि गैस खत्म हो चुका है। अभी 2 दिन तक ऐसे ही करेंगे हम, इन स्टेपनी को यहाँ पर अंदर ही बंद कर देंगे भाई दिन भर। और यहाँ पर जैक भी है भाई, तो देखते हो भाई जैक को खाना डाल दिया है, जैक ने अभी भी खाना नहीं खाया भाई, ऐसा ही कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। स्टेपनी को डाल दिया था खाना और स्टेपनी ने पूरा खत्म कर दिया है। स्टेपनी को यहाँ पर अंदर बंद करने की वजह से ना जैक का भी मन यहाँ पर लगा रहेगा, नहीं तो ये अकेला ही यहाँ पर अंदर बंद रहता था और चीखता रहता था। देख सकते हो अभी कैसे कर रहा है, ये देख लो भाई। क्या चाहिए जैकू, ये देख लो भाई बाहर आना चाहता है, और मैं इसे बाहर नहीं आने दे सकता क्योंकि बाहर चूल्हे पर खाना बन रहा है भाई, तो ये यहाँ वहाँ घूमता रहेगा ऐसे ही। क्यों जैकू, और एक बात बताना भूल ही गया मैं गाइस, कि अभी जैक को आज ना सेकंड वैक्सीन लगने वाली है, तो आज हम जाएंगे जैक को सेकंड वैक्सीन लगाएंगे भाई। कौन सी वैक्सीन है आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो भी वैक्सीन लगाई थी ना उसका बूस्टर लगने वाला है इस बार, तो वही वैक्सीन होती है भाई, बस उसका बूस्टर रहता है। ओए खाने को दे रहे, क्या हुआ स्टेपनी, पेट भर गया, डकार मार रही है, क्यों पेट भर गया तुम्हारा, डकार क्यों मार रही है स्टेपनी, ये देख लो भाई कैसे देख रही है। वैसे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से, और जैक को सेकंड वैक्सीन लगा कर आएंगे, उसके बाद फिर 20 या 21 दिन का गैप लगे, उसके बाद लगेगा रेबीज का इंजेक्शन। तो अभी जो मैं वैक्सीन लगाने वाला हूँ गाइस, वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में, तो वीडियो को बने रहिए। ओके चलिए गाइस, अभी मुंह हाथ धो लेता हूँ, यहाँ पर अपनी चाय बन गई है, तो एक बार चाय पी लेता हूँ और बाद में फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। हमारी चुटकी के पपीज दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी 6-7 दिन के तो हो गए, 1 वीक कंप्लीट हो गया उनको, तो वो दिखाता हूँ आपको, और बाद में चलेंगे हम जैक के वैक्सीन लगाने के लिए। A few moments later. तो गाइस अभी टाइम हो गया है जैक को वैक्सीन लगाने का, तो चलिए अभी निकलते हैं भाई, जैक तो यहाँ पर है अंदर। तो गाइस ये रहा हमारा जैक, और आ गए हम नजदीक मेडिकल स्टोर के और हॉस्पिटल के, चलो गाइस अभी अपनी वैक्सीन हो गई है कंप्लीट, और अभी मैं निकल रहा हूँ भाई घर पे, तो चलिए अभी घर पर चलता हूँ। तो ये रहा हमारा जैक गाइस, और कुछ और भी सामान लिया है, तो घर पर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ भाई, चलिए चल भाई चल जल्दी जल्दी से। बस 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 रोक दे यहाँ पर भाई, जल्दी से चल भाई, चलते हैं अभी अंदर। जैक ये गया भाई अंदर, तो गाइस पहुंच गया भाई घर पे, और आते ही ये देख लो भाई गंदगी कर दी है, आपको नहीं दिखा सकता, जल्दी से इसे साफ करता हूँ भाई, और जैक को भी बंद कर देता हूँ पहले तो। A few moments later. तो सारी साफ सफाई कर दी है भाई यहाँ से, और ये देख लो भाई जैक, तो जैक को अभी यहाँ पर लूंगा, और ये देख लो भाई अभी जैक कैसे जाता है अंदर, जैक का घर उसे पता है भाई कहाँ पर जाना है क्या नहीं, ये देख लो भाई गया अंदर, और उसका खाना यहाँ पर रखा है भाई वैसा का वैसा खाना, और यहाँ पर थोड़ी रोटी भी डाल दी थी, लेकिन ये खा रहा नहीं है सारा, देख लो भाई कैसे करता है, सिर्फ नखरे दिखा रहा है खाने में। चलो चलता हूँ भाई, बंद कर देता हूँ इसे पहले।
तो गाइस जैक को फाइनली वैक्सीन लगा दी है, सेकंड वैक्सीन, मतलब कि पहले जो 7-in-1 का मैंने वैक्सीन लगाया था और इसका अभी ये बूस्टर है गाइस। 7-in-1 ही वैक्सीन होते है लेकिन उसका बूस्टर होता है, तो इसके बाद अब लगेगा गाइस, बाद में जो है रेबीज का वैक्सीन लगेगा इसको। वो होगा भाई अभी 20-25 दिन के बाद, वो भी देने को जाना है बाद में, तो टाइम है बहुत ज्यादा। तो आपको दिखाता हूँ गाइस मैंने वहाँ से क्या क्या लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई अपना जो वैक्सीन है, वैक्सीन कार्ड ये देख लो भाई। यहाँ पर सेकंड वैक्सीन हमारी जो है लग चुकी है भाई अभी। तो इसके बाद जो है ना गाइस मैंने क्या लेकर आया हूँ दिखाता हूँ। ये देख लो भाई पिछली बार की तरह ही ऑस्टोपेट, मतलब कि पिछली बार का जो ऑस्टोपेट है ना गाइस वो अभी खत्म हो चुका है, तो अभी सेकंड वाला लेकर आया हूँ जैक के लिए खास करके। और उसके बाद ये देख लो भाई सिर्फ जैक के लिए लेकर आया हूँ भाई। ये हड्डी, मतलब की सारी चीजें जो है जैक के लिए है, लेकिन आप तो देख रहे हो गाइस की जैक की हालत क्या हो रही है। इतना सब कुछ लाने के बावजूद भी जैक की हालत खराब हो गई है। और हमारी स्टेपनी के लिए बस एक चीज लेकर आया हूँ गाइस, ये देख लो भाई, गाइस ये जो चीज है ना गाइस ये है डिवॉर्मिंग की टैबलेट, मतलब कि ये डिवॉर्मिंग करनी है अभी स्टेपनी की। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, इसकी डिवॉर्मिंग कर देंगे हम बाद में। इसकी स्टेपनी को जो है ना गाइस आज दे दिया है खाना, अभी थोड़ी देर पहले उसको खाना खिला दिया था, तो अभी तो मैं उसकी डिवॉर्मिंग नहीं कर सकता, लेकिन आज शाम को या फिर कल सुबह सुबह मैं उसकी डिवॉर्मिंग कर दूंगा। इससे क्या होगा ना उसके जो कीड़े है ना वो कीड़े मर जाएंगे। तो ये जो डिवॉर्मिंग की टैबलेट है ना गाइस इसका नाम इजी पेट नाम की टैबलेट है। हर बार मैं कोई अलग अलग तरीके की डिवॉर्मिंग टैबलेट लाता हूँ। पिछली बार जो है ना गाइस मैं पिछली बार स्काई वॉर्म की टैबलेट लेकर आया था, उसकी डिवॉर्मिंग कर दी थी। अब उसके पहले कुछ और कंपनी की टैबलेट थी, मतलब कि हर बार ना हमें अलग अलग कंपनी की टैबलेट खिलानी है, एक सेम टैबलेट कभी भी नहीं खिलानी है। क्योंकि क्या होता है ना अगर हम सेम चीज उसे कंटिन्यूस देते रहेंगे तो उसकी आदत लग जाती है और उसका फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता हमें। ओके, तो इसकी वजह मैंने जो है अभी ये कुछ अलग कंपनी की टैबलेट मैंने अभी इस बार लाई है, तो कल सुबह या फिर आज रात को उसकी डिवॉर्मिंग कर दूंगा मैं, और देखते हैं भाई क्या होता है क्या रिजल्ट आता है। जैक 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 कम 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 जैक जैक कम जैकू जैकू, ये देख लो भाई कैसे पी रहा भाई, पी लो पी लो पी लो जल्दी जल्दी से पी लो। ओके गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, ये देख लो भाई पूरा खत्म कर दिया है, अभी भी पूरा चैट करी से साफ कर देगा भाई इसे। तो गाइस बेसिकली ये क्या है ना, ये है मल्टीविटामिन भाई, ये देख सकते हो आपको दिख रहा होगा, ये है मल्टीविटामिन और ये है भाई वो ऑस्टोपेट कैल्शियम। तो कैल्शियम मल्टीविटामिन मिक्स करके इसे अभी पिलाया है मैंने 10 ml करके, और डेली पिलाता हूँ मैं गाइस ऐसे, लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं दिखाता, तो आज सोचा कि पहली बार इसे दिखा दूं कि मैं इसे मल्टीविटामिन और कैल्शियम देता हूं कंटिन्यूसली। और उसी के साथ ये देख लो भाई गटवेल सबसे पहले दिया था मैंने इसे, अभी ये देने के बाद मैंने फिर ये दिया है भाई, तो डेली में से 10 ml ऐसे करके पिलाता हूं। A few minutes later. तो भाई लोग अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं चलता हूं गाइस, आपको दिखाता हूं चुटकी के पपीज कितने बड़े हो गए हैं। अभी उसको 8-9 days कंप्लीट हो गए, शायद 1 week से ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं अभी एग्जैक्ट डेट भी काउंट नहीं किया है मैंने, 1 week से तो ज्यादा हो गए है, तो कितने बड़े हो गए हैं और क्या कंडीशन उनकी, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। भाई 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 साहब ये देख लो भाई, ये रही चुटकी और कितनी ज्यादा गंदगी कर दी है भाई। ओ भाई क्या हुआ है भैया, पता नहीं क्या है भाई, इधर आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या, कमेंट करके बताओ भाई, पता नहीं कुछ तो है भाई इसके अंदर, कुछ तो है चूहा। हाँ ये देख लो भाई यहाँ पर गौर करो आप लोग, ये देख लो भाई चूहा है और ये इनको ना मैसेज पहुँचा रहा है। ये देख लो भाई यहाँ पर एक चूहा है और किसी को तो यहाँ पर उसका मैसेज ट्रांसफर कर। ये देखना भाई कितने बड़े बड़े हो गए हमारे पपीज, और किधर जा रहा है उधर, अबे रुक जा, अबे किधर जा रहा है। ये देखना भाई ये रहे हमारी चुटकी, तो चुटकी की पपीज यहाँ पर है गाइस, और कैसे मिल्क पी रही है देख सकते हो भाई। और चुटकी जो है ना थोड़ा सा एग्रेशन कर रही है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या हो गया है इसको, अभी थोड़ा सा एग्रेशन ही कर रही है। चलो भाई अभी यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है भाई। चुटकी बाय बाय, चलो क्या, ये देख लो भाई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, चलो यहाँ से निकलता हूँ पहले तो। A few moments later. तो गाइस अभी हो गई है शाम, देख सकते हो भाई फुल अभी अंधेरा हो गया, और ये रही हमारी स्टेपनी, तो स्टेपनी को अभी रात का खाना डालना है भाई, और जैक को भी खाना तो डाल दिया था वैसे तो मैंने आते ही, मतलब कि कुछ घंटे पहले ही मैंने यहाँ पर आया था। और ये देख लो भाई यहाँ पर चूहा, ये देखना भाई यहाँ पर चूहे के बच्चे कैसे ये कर रहे, देख रहे हो ना भाई, एक मिनट आपको दिखाता हूँ अभी कैसे भागता है ये देख लो भाई। तो ऐसे करके वो जो चूहे थे ना भाई
यहाँ से हमारे रैबिट के बच्चे लेकर जाते थे तब मार डालते थे भाई। ऐसे करके ही हमारे सारे रैबिट मर गए थे भाई। तो ये चूहे जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी देखेंगे भाई जो होता है वो होने देते। तो यहाँ पर देख लो भाई, जैक का खाना वैसा का वैसा है, अभी रात को ये फिनिश कर देगा अपना अपना खाना। और स्टेपनी को भी अभी रात का खाना डाल दूंगा मैं। ये देख लो भाई, स्टेपनी खाना चाहिए स्टेपनी सेकंड ओके गुड गर्ल, आपको खाना मिल जाएगा अभी। स्टेपनी को अभी खाना डाल देता हूँ रात का। तो और इसी के साथ इस ब्लॉग को ही पर एंड करता हूँ भाई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।